हरिओम, सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है। मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी हम बात करें। केवल बापू जी के शिष्य साधक ही नहीं, बल्कि जिन्हें भी सनातन धर्म व संस्कृति के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, उन सभी सज्जनों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और जागरूक होकर अपना कर्तव्य निभाएं। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की सूचना आपको यथासमय मिलती रहे। मित्रों, पूज्य बापू जी निर्दोष है ये बात हम सीना तान कर, गला फाड़ कर कह सकते हैं। हमारा ये दावा है कि बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। किंतु आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे कि बापू जी निर्दोष है, अपराधी या निर्दोष की बात नहीं करेंगे। हम उन्हें केवल आरोपी मान ले, क्योंकि अभी उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो हम उन्हें केवल आरोपी कहे तो भी बहुत 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 बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एक आरोपी के साथ ऐसा अन्याय किया जा सकता है, वो भी एक ऐसे आरोपी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, जिनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, संस्कृति व राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, जन जन की सेवा में लगा दिया, ऐसे आरोपी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, उन पर इतने अत्याचार क्यों? बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है, भ्रष्टाचारी नेताओं को, अपराधी अभिनेताओं को जमानत मिल जाती है, फिर एक वृद्ध संत को 8 वर्षों से ऐसे जेल में कैद करके क्यों रखा गया है? अरे, छेड़खानी का जो झूठा आरोप लगा है उन पर, वो यदि साबित भी हो जाए तो 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान नहीं है, तो फिर 7.5 साल से ज्यादा समय वे जेल में क्यों, आखिर क्यों? मित्रों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व कानून मंत्री महोदय से हम अपने मन की बात कहेंगे। हम और एक वीडियो बनाएंगे, इसके बाद हम और एक वीडियो बनाकर उसे ट्विटर के जरिए उन तक पहुंचाएंगे। ध्यान देना मित्रों, आप इस वीडियो पर कमेंट में अपनी बात जरूर रखिए। इस वीडियो पर जो कमेंट्स आएगी, इस वीडियो पर जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो पर आपकी जो भी कमेंट्स आएगी, उनमें से जो उचित होगी, सही शब्दों में प्रभावी ढंग से कही गई बात होगी, उन सब कमेंट्स को हम आपके नाम के साथ उस वीडियो में पढ़ेंगे, जिस वीडियो को हम ट्विटर के जरिए मोदी जी तक पहुंचाने वाले हैं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि उस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यथासमय मिल जाए। हम उस वीडियो की लिंक ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री व कानून मंत्री तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे ट्विटर अकाउंट की लिंक भी दे दी है। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि उस लिंक पर जाकर आप मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें। 2 मई को पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस है, ये 8वां अवतरण दिवस होगा जो हमें रुलाएगा। दिवाली, दशहरा, होली आदि जितने भी त्यौहार है, वो मानो हमें रुलाने के लिए ही आते हैं। हमारा सच्चा त्यौहार तो उस दिन होगा जिस दिन पूज्य बापू जी बाहर आएंगे। पूज्य बापू जी के अवतरण दिवस निमित्त
आओ हम सब मिलकर ये एक और सेवा करें। केवल साधक शिष्य ही नहीं, सभी सनातन धर्म प्रेमी मिलकर हम आवाज उठाएंगे। इस वीडियो पर कमेंट में मोदी जी से अपने मन की बात कहे, उनमें से कई कमेंट्स हम हमारे उस नए वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे और फिर उस वीडियो को ट्वीट करेंगे। उस वीडियो में कमेंट्स पढ़ेंगे और उसी वीडियो पर भी ऐसी कमेंट्स आई होगी वो भी उन तक पहुंचेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर अकाउंट की लिंक देखना ना भूलें। सबका साथ जरूरी है। कमेंट करते समय ये नहीं भूलना कि हम ब्रह्मज्ञानी संत के शिष्य है अथवा महान सनातन धर्म के अनुयायी है। इस बात को याद रखते हुए उचित शब्दों में कहनी है अपने मन की बात। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस पर कमेंट करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद मित्रों। हरिओम।